हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल एक जो है स्वेटर लेकर आई हूँ बच्चे का। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसे आप काफी सालों तक पहना सकते हैं, ये छोटा नहीं होगा आपका स्वेटर जो है। मैं बताऊंगी किस तरह से। देखिए, सबसे पहले तो हम इसे एक दो साल के लिए बनाएंगे और उसके बाद क्योंकि ये खुलने वाला पैटर्न है, देखिए इतना ज्यादा ये खुल जाता है, स्ट्रेचेबल है, तो ये बच्चे को बड़ा भी हो जाएगा, बच्चा तब भी बड़े आराम से आएगा क्योंकि इसका आर्म होल हमने ज्यादा रखा हुआ है। और ये देखिए, बाजू भी इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी, आपको लंबाई में चाहिए तो लंबी हो जाएगी, अगर अंदर से ज्यादा कपड़े पहने हैं तो इस तरह से ये खुल जाएगी। काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल ये जो है स्वेटर है, तो इसे आप काफी सालों तक पहनाएंगे, जब तक ये पुराना नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको जो है इसकी रेडी जो मेजरमेंट्स है वो बताऊंगी इंचेस में। देखिए, यहां से शोल्डर से लेके कंधे से लेके नीचे तक हमारी 13.5 इंच 13.5 इंच इसकी लंबाई है। और अगर इसका अक्रॉस शोल्डर देखेंगे, तीरा देखेंगे, तो ये 8.5 इंच है, लेकिन काफी स्ट्रेचेबल है। देखिए, काफी स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे का 7 से लेके 14-15 इंच तक तीरा है तो बड़े आराम से आ जाएगा। और जो बाजू की लंबाई है देखिए, वो शोल्डर तक 11 इंच है और गले तक जो है इसकी लेंथ वो 14.5 14.5 इंच जो है गले तक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, आ गई होगी। और ये देखिए, बैक हमारी इस तरह से बनी है, इसमें भी हमने ये पैटर्न यूज किया है ताकि ये बहुत ही गर्म बनेगा, वार्म बनेगा। तो चलिए इसे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए मैंने जो वूल ली है ये है गंगा की वूल, देखिए, जो कि एंजल के नाम से है। और इसलिए क्योंकि थोड़ी सी मोटी है और हमें ये सॉफ्ट बनाना है, तो मैं इसे 9 नंबर पे बनाऊंगी, 9 नंबर नीडल्स पर। और गले के लिए मैं ये सर्कुलर नीडल्स यूज करूंगी। आप चाहे तो जो गले वाली 4 सिलाई होती है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर 3 सिलाइयों पे भी आप थोड़े फंदे इधर रख के, थोड़े पीठ के अलग से लेकर और इन फंदों को अलग लेकर, तब भी आराम से इन्हें बुन सकते हैं, लेकिन सर्कुलर नीडल पर ये सबसे कन्वीनियंट होता है बुनना, तो हम इस पे बुनेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका फ्रंट बुनेंगे। फ्रंट के लिए हमने यहाँ पे 70 फंदे लिए हैं, 70 स्टिचेस। और जो बॉर्डर आपको बनाना हो आप वो बना सकते हैं। जो मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊंगी, देखिए पहला फंदा तो सीधा आएगा। अब 2 फंदे सीधे हमने बैक लूप से बुनने हैं, धागा इस तरह से घुमा के। ये बॉर्डर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए अब इसे हम थोड़ा सा ही बताएंगे। 2 फंदे ऐसे बुनेंगे सीधे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे नॉर्मल, फिर 2 फंदे ऐसे बुनेंगे सीधे बैक लूप से, और धागे को भी हम ऐसे नहीं घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, और 1 फंदा जैसे हम बुनते हैं उल्टा वैसे ही बुनेंगे। 2 फंदे सीधे इस तरह से पीछे से और 1 फंदा उल्टा, तो पूरा बॉर्डर हम ऐसे ही बना लेंगे। 70 फंदे हैं, 70 स्टिचेस हैं हमारे। ये देखिए, फर्स्ट रो हमने ऐसे बुनी। अब सेकंड रो ध्यान से देखिएगा, फिर यही 2 सिलाई हमने रिपीट करनी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब लास्ट में क्योंकि हमारे ये 2 फंदे सीधे आए थे तो इन्हें हम यहाँ इस तरफ से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे जैसे नॉर्मल बुनते हैं वैसे, यानी हमने उस तरफ से भी उल्टे फंदों को ऐसे ही बुनना है नॉर्मल। तो इस तरफ क्योंकि 2 आएंगे, उस तरफ 2 सीधे थे, तो और जो सीधा फंदा आएगा इस तरफ से, जिसे हमने इस तरफ से उल्टा बुना था, उसे बैक लूप से बुनेंगे। तो इस तरफ से 2 उल्टे नॉर्मल आएंगे और 1 फंदा बैक लूप से सीधा आएगा। देखिए, 2 उल्टे और 1 फंदा सीधा बैक लूप से, जो उस तरफ से हमने उल्टा बुना था। तो होप ये बॉर्डर आपको समझ में आ गया होगा। और इसी की अब हम 10 सिलाइयां बना लेंगे, 10 रोज का बॉर्डर बनाएंगे। आपको अगर चौड़ा बॉर्डर करना है तो आप और सिलाइयां बुन सकते हैं, तो ये 10 रोज बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से 10 सिलाइयां जो है बॉर्डर की बना ली, और इस तरह से बनेगा ये। बैक साइड से 1 ही रिब आएगी और साइड जो है फ्रंट से 2 रिब्स आएंगी, और बीच में 1 फंदा उल्टा था। अब हम पैटर्न स्टार्ट करने से पहले इस रो में 8 फंदे बढ़ा लेंगे, इंक्रीज 8 स्टिचेस। तो देखिए कैसे हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब पहले तो 1 फंदे के 2 बनाकर स्टार्टिंग में ही 1 फंदा बढ़ा लेंगे। अब हम 8 8 फंदे बुनते जाएंगे और 9वें फंदे को 2-2 बार बुनते जाएंगे। 8 फंदे सीधे और जो 9th वाला स्टिच है, 9वां फंदा है, उसे हम 2 बार बुनकर 1 फंदा बढ़ा लेंगे। तो पूरी रो में यही करना है, इंक्रीज एवरी 9th स्टिच। तो आपको गिन के जो है 78 फंदे बनाने हैं ये। तो अब जो है इसको फिर से हम 9वां फंदा जो है 2 बार बुनकर, तो पूरी रो में यही करेंगे, 8 फंदे बढ़ा लेंगे। ये हमने देखिए फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इस तरफ से इन फंदों को हम जो है सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, उल्टा उल्टा, जैसे आप चाहे वैसे बुन सकते हैं। तो अभी हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे।
पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया है। अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे और हमने फंदों को कैसे प्लेस करना है वो मैं आपको पहले जो है ड्राइंग से बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखिए अभी हमारे पास टोटल 78 फंदे हैं, 78 स्टिचेस हैं। तो हमने तीन फंदे इस तरफ रखने हैं, तीन फंदे इस तरफ रखने हैं गैप के लिए। उसके बाद हमारी यहाँ पे बीच में 11 फंदों की जो है वो केबल आएगी, 11 फंदों की एक और 11 फंदों की एक और केबल आएगी। तो दो केबल्स 11-11 फंदों की आएगी, फिर दो फंदों का गैप देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए 24 फंदों की एक हमारी जो है चौड़ी केबल आएगी, जिसे हम सेल्टिक केबल बोलते हैं। इस तरह से ऐसे जिगजैग में आएगी ये, तो ये हमारी सेल्टिक केबल के लिए 24 फंदे यूज होंगे। और फिर इस तरफ फिर से दो फंदों का गैप, फिर 11 फंदों की एक केबल और 11 फंदों की दूसरी केबल, फिर यहाँ पे तीन फंदे। तो ये टोटल 78 फंदों को हमने ऐसे डिवाइड करना है। तो ये छोटी केबल्स जो है ये वाली तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये इस तरह से आती है थोड़ी गोल गोल सी। तो दो केबल इस तरफ आएंगी, दो इस तरफ, और बीच में ये चौड़े वाली केबल, और यहाँ पे भी हमारे दो फंदों का गैप रहेगा। तो चलिए अब इसे हम बुनाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, राइट साइड है। उसके बाद हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं, क्योंकि केबल्स हमेशा हम रिवर्स टॉकिनर स्टिच पे बुनते हैं ताकि वो उभर कर आ सके। तो इस तरफ से ये फंदे उल्टे आएंगे और उस तरफ से यानी उल्टी साइड से ये फंदे सीधे आएंगे रॉन्ग साइड से। अब दो फंदे ये बुनने के बाद केबल पैटर्न स्टार्ट होगा। दो केबल्स जो बननी है 11 फंदों की, देखिए एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो ये जो हमने तीन फंदों के बाद 11 फंदे बुने, एक उल्टा चार सीधे, एक उल्टा चार सीधे, एक उल्टा, ये एक केबल के फंदे हुए। ऐसे ही दूसरी केबल के भी हम बुन लेंगे, यानी फिर से हमने एक उल्टा चार सीधे, अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसे, चार सीधे एक उल्टा, चार सीधे एक उल्टा। तो ये हमारी दो केबल्स आ गई। इसके बाद जो हमने दो फंदों का गैप देना था वो जो है दो फंदे बनाएंगे उल्टे ऐसे, और यहां से अब हमारी सेल्टिक केबल जो है वो स्टार्ट होगी। तो देखिए पहले इन 24 फंदों को हम मार्क कर लेते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ से भी हम 24 फंदे मार्क कर लेंगे। देखिए ऐसे हमने इन 24 फंदों को मार्क कर लिए ताकि आप इस केबल को कहीं और भी यूज कर सकें आराम से। देखिए इसमें हमने क्या करना है, पहले दो फंदे उल्टे आएंगे, 1 2। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो चार फंदे हैं इनमें हमने दो फंदों को राइट की तरफ को ट्विस्ट करना है। देखिए ऐसे, पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आएंगे, पहले इन्हें सीधा बुनेंगे और फिर इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हमारे चार फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4। अब फिर से हमने दो फंदों को, दो फंदों के राइट की तरफ को ट्विस्ट करना है जैसे पहले किया था। पहले इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर इन दो को, फिर से चार फंदे इसके बाद उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3 4। अब फिर चार फंदों में हमने यही करना है। तो तीन बार हमने जो है दो फंदों को राइट को ट्विस्ट कर लिया है। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, अब लास्ट में फिर हमारे दो फंदे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने इन 24 फंदों में इस केबल को सेट करना है।
अब अगले हमारे इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारे फिर से दो फंदे उल्टे आएंगे पहले ऐसे, उसके बाद हमारी फिर से यहाँ पे दो केबल्स बनेगी 11 फंदों वाले, जिसमें एक उल्टा, चार सीधे, एक उल्टा, चार सीधे, और एक उल्टा। एक बार किया, एक बार फिर यही करेंगे। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, एक उल्टा, चार सीधे, एक उल्टा, चार सीधे, एक उल्टा। और उसके बाद लास्ट के हमारे ये देखिए जो तीन फंदे बचे थे उनमें से भी दो हम उल्टे बुन लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में रखे थे, और लास्ट फंदा जो है एसटीजी से सीधा बुन लेंगे। तो फर्स्ट रो हमने ऐसे बना के जो है केबल्स को सेट कर लिया है, इधर दो केबल्स, इधर भी दो केबल्स और बीच में सेल्टी केबल। अब इस तरफ से जो है हर रॉन्ग साइड रो में जैसे होंगे हमारे फंदे वैसे हम इन्हें बुनते जाएंगे। देखिए एक फंदा स्लिप किया, ये दो फंदे भी सीधे आएंगे और ये केबल वाला एक फंदा भी सीधा आएगा, फिर चार उल्टे एक सीधा। तो ये तो जैसे है फंदे वैसे ही हमारे बुने जाएंगे हर बार। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं एक रो में तो आपको ये बता दूंगी, उसके बाद हम रॉन्ग साइड की रोज जो है वो खुद से ही कर लेंगे, क्योंकि जैसे होंगे हमारे फंदे वैसे ही हमने इन्हें बुनना है। ये देखिए चार उल्टे एक सीधा, ये हमारे एक केबल के हुए। अब दूसरी केबल के एक सीधा, चार उल्टे एक सीधा। तो होप ये चीज आपको समझ में ही आ गई होगी। तो पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे, इस इनके जो ये वाले फंदे हैं इनमें भी ऐसे ही बुनेंगे जैसे है ये फंदे। ये देखिए जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा, जो सीधे दिखेंगे उन्हें सीधा बुनते हुए। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड रो उल्टी बुनने के बाद थर्ड रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये दो फंदे उल्टे आएंगे स्टार्टिंग वाले। अब ये जो हमारे केबल के 11 फंदे हैं इसमें से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये जो अगले चार फंदे हैं इनमें से दो फंदों को हमने राइट की तरफ को ट्विस्ट करना है ऐसे। अब पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे, फिर इन फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। तो हमने ये दो फंदे राइट को ट्विस्ट के, बीच का एक फंदा उल्टा आएगा। अब फिर धागा पीछे ले जाएंगे और अगले चार फंदों में से दो फंदों को ऐसे लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। तो हमने दो फंदे जो है वो इस तरफ को, दो फंदे इस तरफ को ट्विस्ट किए हैं। अब एक फंदा ये इस केबल का उल्टा जाएगा। तो ये 11 फंदों की एक केबल हमने बनाई, ऐसे ही अगले 11 फंदों की एक केबल बनाएंगे, यानी कि एक फंदा उल्टा, उसके बाद फिर से हम इन चार फंदों में ट्विस्टिंग करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसे फास्ट कर लेंगे हम इस तरह से, बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप चाहें तो केबल नीडल की हेल्प ले सकते हैं ऐसे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो है इन सर्दियों में अपलोड करने वाली हूँ। ये देखिए अब फिर से इन चार में से दो फंदों को हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे बाहर की तरफ को, यानी कि लेफ्ट साइड को। अब फिर इन चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे ऐसे। अब देखिए दो फंदे हमने, एक फंदा तो इसी केबल का आएगा, उसके बाद दो फंदे और जो हमने ये एक्स्ट्रा लिए थे वो आएंगे, और इसके बाद हमारी जो है सेल्टिक केबल के फंदे शुरू होंगे। तो पहले हमने जो ये दो फंदे बुने थे, अब एक फंदा उल्टा आएगा ये सेल्टिक केबल का। ये देखिए अभी जो अगला उल्टा फंदा है, धागा पीछे ले जाएंगे, इसे हमने इन दो फंदों के पीछे से ऐसे ट्विस्ट करना है, यानी इन दो फंदों को हम राइट को लेकर आएंगे एक फंदे से ऐसे। ये उल्टा फंदा है इसे हम इस तरफ लेके, और ये दो सीधे हैं इन्हें हम राइट को लेकर आए। अब पहले इन दो फंदों को तो हम सीधा बुनेंगे,
इसमें जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुने जाएंगे, दो फंदे सीधे और ये जो उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है लेकिन वीडियो को आपको जो है वो स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। अब जो अगले चार फंदे हैं, देखिए दो सीधे हैं दो उल्टे हैं, जो दो सीधे हैं उन्हें हमने लेफ्ट की तरफ को लेके जाना है ऐसे। पहले चारों को इस नीडल पर लिया, ये जो दो सीधे हैं इन्हें पीछे से मतलब कि आगे से पीछे लेकर आएंगे और उल्टे फंदों को पहले आगे लेकर आएंगे पीछे से होते हुए ऐसे। अब इन उल्टे फंदों को हमने उल्टा बुनना है, यानी कि यहाँ पे दो उल्टे फंदे आएंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये दो फंदे जो है वो सीधे आएंगे ऐसे। अब अगले चार फंदों में हमने ये देखिए जो ये दो सीधे फंदे हैं इन्हें लेफ्ट की तरफ को लेकर आना है ऐसे। पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे, फिर ये जो दो उल्टे फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे अब ये देखिए। अब फिर यही करेंगे, ये जो अगले दो फंदे हैं इन्हें जो है इन दो फंदों के लेफ्ट की तरफ को लेकर जाने के लिए इन्हें ऐसे आगे से लेकर आएंगे और उल्टे फंदों को पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब पहले इन उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर इन सीधे फंदों को सीधा बुन लेंगे। अगले जो ये चार फंदे हैं इनमें हमने दो फंदों को जो है वो लेफ्ट को ट्विस्ट करना है दो फंदों के ऐसे। अब पहले इन्हें हम सीधा बुन लेंगे दो फंदों को जो ये सीधे हमने ट्विस्ट किए हैं, फिर अगले दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो आपको इसमें सीधे उल्टे फंदों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो दो सीधे फंदे हैं इनको हम जहाँ भी ले जाएंगे ट्विस्ट करके तो ये सीधे बुने जाएंगे, और जो ये उल्टे फंदे हैं इन्हें जहाँ भी लेके जाएंगे उधर ये उल्टे ही बुने जाएंगे ये देखिए। अब अगले हमने धागा पीछे ले जाएंगे, फिर ये तीन फंदे हमारे बचे इस केबल के, जिसमें से इन दो को हमने देखिए इस तरफ हमने इन दो को एक फंदे के लेफ्ट को सॉरी राइट को ट्विस्ट किया था, इस तरफ हमने इन दो फंदों को इस एक फंदे के लेफ्ट की तरफ को ट्विस्ट करने के लिए इन्हें ऐसे लेकर आएंगे। अब क्योंकि ये उल्टा फंदा है पहले तो इसे उल्टा बुनेंगे ऐसे, और फिर दो फंदे जो ये सीधे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। अब एक फंदा 24 में से ये उल्टा बुना जाएगा। यहाँ तक हमारे ये सेल्टी केबल के फंदे आ गए, ये देखिए यहाँ पे मार्कर है हमारा। अब ये सेल्टी केबल हमारी कंप्लीट हो गई, इसके बाद ये दो फंदे हमने जो गैप के लिए बुने थे वो उल्टे आएंगे। अब ये देखिए केबल वाला जो एक फंदा है ये उल्टा आएगा ऐसे, और इस तरफ भी हमने ऐसे ही केबल में करना है। पहले ये वाले जो दो फंदे हैं इन्हें इस तरह से राइट की तरफ को ट्विस्ट कर लेंगे फिर एक फंदा बीच का उल्टा आएगा, फिर अगले दो फंदों को हमने धागा पीछे ले जाके लेफ्ट को ट्विस्ट करना है ऐसे। एक फंदा उल्टा, अब ये एक केबल हुई ऐसे ही दूसरी केबल का पहला फंदा उल्टा, फिर इन चार फंदों में अब इसे थोड़ा सा हम और फास्ट कर लेते हैं
हम इन चारों को भी हम सीधा बुन लेंगे और एक फंदा जो है अगला वो भी उल्टा जाएगा इसी केबल का, ये देखिए। अब लास्ट में हमारे फिर से दो फंदे जैसे उस तरफ थे इस तरफ भी दो फंदे आएंगे और एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये तीन फंदे इस तरफ और तीन फंदे इस तरफ तो ऐसे ही चलते जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से फिर से जैसे हैं फंदे वैसे बुन लेंगे। तो अब ये रॉन्ग साइड के फंदों को पहले हम पूरा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी। फिफ्थ रो में फिर से हम पहले फंदे को स्लिप करके ये देखिए ये दो फंदे ये वाले और एक फंदा केबल वाला उल्टे बुन लेंगे। इसके बाद अब इस तरफ हमने पिछली रो में ट्विस्टिंग की थी, इस बार इन फंदों को हम नॉर्मल बुनेंगे यानी ट्विस्टिंग नहीं करेंगे। तो ये चार फंदे सीधे आएंगे, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो एक केबल हुई, ऐसे ही अगली केबल बुनेंगे उसमें भी एक फंदा उल्टा, चार सीधे, ये देखिए चार सीधे जो दिख रहे हैं, एक उल्टा, चार सीधे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं अब, इसके बाद एक उल्टा। ये दोनों केबल्स कंप्लीट हो गई। अब ये बीच के दो जो फंदे थे कैप वाले वो उल्टे आएंगे और हम यहीं से धागा पीछे ले जाएंगे। अब हमारी सेल्टिक केबल यहाँ से जो स्टार्ट होगी, देखिए इसमें हमने क्या करना है, जो ये एक उल्टा फंदा है इसे हम पीछे से लेफ्ट को लेकर जाएंगे यानी इन दो फंदों को राइट को ट्विस्ट करना है हमें ऐसे। यहीं से हमारी देखिए केबल स्टार्ट हो रही है। तो हम इन दो फंदों को तो सीधा बुनेंगे और इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे जिसे हम पीछे से लेकर आए थे ये। अब देखिए ये दो फंदे जो है ये भी उल्टे बुने जाएंगे। अब हम धागा पीछे ले जाएंगे और अगले जो ये देखिए तीन फंदे हैं ये तीनों उल्टे आएंगे ऐसे। तीन, एक ये जो हमने पीछे से लेके आया ये भी उल्टा है, अगले तीन फंदे भी उल्टे आए। अब धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये जो चार फंदे हैं सीधे दिख रहे हैं इनमें से हम इन वाले फंदों को जो है वो लेफ्ट को लेकर जाएंगे ऐसे, दो फंदों के लेफ्ट को ऐसे। और क्योंकि ये सारे ही फंदे सीधे हैं इस तरफ वाले भी इस तरफ वाले भी, तो इन चारों को ही हम सीधा बुन लेंगे। अब अगले तीन फंदे पहले उल्टे आएंगे, वन टू थ्री, और ये चौथा फंदा ये भी उल्टा आएगा। चारों फंदे उल्टे आ जाएंगे। अब इस तरफ ये जो हमारे चार सीधे फंदे हैं इसमें से हमने दो को जो है इससे से राइट को ट्विस्ट करने के लिए इन्हें आगे लेकर आएंगे ऐसे, इन्हें पीछे और इन दो को ऐसे आगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इन चारों को सीधा बुन लेंगे। टू थ्री फोर, फिर अगले तीन फंदे पहले ये उल्टे आएंगे, वन टू थ्री, और धागा पीछे ले जाएंगे और इन दो फंदों को इस एक फंदे के इस तरह से आगे से लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेंगे। अब ये जो एक फंदा है ये उल्टा है तो इसे भी उल्टा बुनेंगे ऐसे, और ये अगले दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी रो जो है सेल्टिक वाली कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे दो फंदे ये उल्टे आएंगे गैप के ऐसे, और उसके बाद हमारा ये केबल का एक फंदा उल्टा, और केबल के फंदे फिर से वही चार सीधे एक उल्टा, चार सीधे एक उल्टा। तो ऐसे ही अब हम आगे वाली ये केबल भी बना लेंगे और नेक्स्ट रो भी जैसे है फंदे वैसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये छह सिलाइयां कंप्लीट कर ली। अब देखिए सातवीं सिलाई सेवेंथ रो, पहले फंदे को स्लिप किया,
दो फंदे ये उल्टे और एक फंदा ये केबल वाला उल्टा। अब धागा पीछे ले जाएंगे। इस बार हमने पहले ही बाहर को ट्विस्ट किए थे, अब अंदर को करने के लिए देखिए चार फंदे उतारे, दो फंदों को लेफ्ट को लेकर आएंगे। पहले इन दो को सीधा बुनेंगे, फिर इन दो को सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा उल्टा बुना। अब इस तरफ के जो चार हैं उनमें से दो को राइट की तरफ को लेकर आएंगे, पीछे वाले जो दो हैं ऐसे। अब इन्हें सीधा बुन देंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो अब ये हमारी ट्विस्टिंग जो है वो अंदर की तरफ को हुई, जो पहले बाहर की तरफ को हुई थी। तो ये देखिए ऐसे गोला बन गया। अब ये एक फंदा उल्टा, अब यही हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले एक फंदा उल्टा आएगा, फिर यहाँ पे भी हम ऐसे ही ट्विस्टिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये वाली ट्विस्टिंग हम कर लेते हैं जैसे ये की, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। ये देखिए ये केबल की बुनने के बाद एक फंदा उल्टा भी बुन लिया है, अब ये गैप के दो फंदे भी उल्टे आ जाएंगे ऐसे। अब देखिए सेल्टिक केबल वाले फंदे, पहले हम ये मार्कर जो है वो आगे कर लेते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे सेल्टिक केबल कहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया है। अब इस बार हम पहले इन दो फंदों को नॉर्मल सीधा बुनेंगे, ट्विस्टिंग नहीं करेंगे शुरू में। तो ये दो फंदे सीधे आ जाएंगे। अब अगले हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुन के धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ये जो दो सीधे फंदे, इसे एक उल्टे फंदे के आगे से ऐसे राइट को लेकर आएंगे। तीनों को ऐसे लिया, इसे ऐसे वापस लिया और फिर इन दो फंदों को आगे से लेकर आएंगे और पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे और इस फंदे को, क्योंकि ये उल्टा फंदा था उस जो उस तरफ से लेके आए थे, तो इसे उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे। अब अगले चार फंदों में हमने ये देखिए जो ये दो फंदे हैं इन्हें ऐसे लेफ्ट की तरफ को लेकर आना है और इन उल्टे फंदों को पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब इन उल्टे फंदों को तो उल्टा बुनेंगे, ऐसे, और जो सीधे फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। अब अगले जो चार फंदे हैं देखिए, ये दो उल्टे और ये दो सीधे, तो इन दो उल्टे को जो है पीछे से लेकर जाएंगे और जो दो सीधे हैं इन्हें आगे से ऐसे लेफ्ट को लेकर आएंगे। पहले इन्हें सीधा बुनेंगे, फिर इन्हें ये जो हमारे इस तरफ से उल्टे आए थे इन्हें उल्टा बुन लेंगे ऐसे धागा पीछे। अब अगले जो ये तीन फंदे हैं देखिए, इन तीनों में से हम इन दो फंदों को आगे से ऐसे लेफ्ट को लेकर आएंगे और इस उल्टे फंदे को पीछे से आगे लाएंगे। पहले इसे उल्टा बुन लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसके बाद हमारे तीन फंदे ये उल्टे आ जाएंगे जो उल्टे दिख रहे हैं, 1 2 3, और ये दो फंदे सीधे। तो यहां तक जो है हमारी ये केबल, इसका भी हम मार्कर यहां पे लगा लेते हैं। ये देखिए तो ये केबल के फंदे हो चुके हैं। अब फिर यहां पे ये दो गैप वाले फंदे जो है इन्हें भी उल्टा बुनेंगे और जो केबल वाला फंदा है इसे भी उल्टा बुनेंगे। और जैसे हमने इस तरफ केबल की ट्विस्टिंग की थी, इस तरफ भी कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से याद दिलाने के लिए बता दूंगी। देखिए पहले हमने इन्हें अंदर की तरफ को करना है ऐसे, सीधा बुनेंगे 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा ऐसे, फिर अगले चार में हमने अंदर। वैसे तो मैं ये केबल फ्रेंड्स आपको पहले भी इसका अलग से वीडियो बनाकर सिखा चुकी हूँ। ये देखिए अब इन्हें सीधा बुनेंगे, फिर इन्हें भी सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदा ये उल्टा इस केबल का,
ऐसे ही अगली केबल का फंदा उल्टा और फिर इस केबल को भी ऐसे ही ट्विस्ट कर लेंगे जैसे ये किया, और फिर रॉन्ग साइड से हम जैसे हैं फंदे वैसे बुन लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई अभी तक। तो ये वाली जो केबल है ये 8 सिलाई की है, और जो ये सेल्टी केबल है ये 16 सिलाई की है। यानी ये जो हमने 8 सिलाई है इस केबल में तो यही बार बार रिपीट होनी है, और जो सेल्टी केबल की 16 सिलाई है उसकी 8 सिलाई हमने और बुननी है। तो अब हम जो केबल की मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना बताऊंगी, उसके बाद हम ये जो साइड वाली केबल्स हैं अब ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 8 ही रोज हमने बार बार जो है वो रिपीट करनी है। ये देखिए 3 फंदे उल्टे आए, अब ये 4 फंदे जो है इस रो में सीधे आएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, ऐसे ही अगली जो है केबल इसका एक जो है 4 फंदे एक उल्टा के बाद सीधे आ जाएंगे, फिर एक उल्टा, 4 सीधे, एक उल्टा। अब ये गैप के जो है 2 फंदे ये उल्टे आएंगे। अब हमारी सेल्टी केबल की 9th रो देखिएगा, इसमें हमने क्या करना है, 2 फंदे तो ये सीधे आएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे आएंगे ये, फिर 2 फंदे सीधे। सिर्फ इसमें हमारी एक ही ट्विस्टिंग होनी है, ये देखिए, फिर से 3 फंदे उल्टे। तो अभी तक जो है हमने जो किया वो मैं पहले आपको बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन आ रहे। देखिए इसमें हमने सेल्टिक वाले 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे बुने। अब ये जो बीच वाले 4 सीधे दिख रहे हैं इनमें हमने खाली ट्विस्टिंग करनी है। ये देखिए ऐसे उतारेंगे इन चारों को, और आगे वाले जो फंदे हैं जो पहले वाले थे इनको पीछे से लेकर आएंगे, और जो बाद वाले थे इन्हें आगे से राइट की तरफ को लेकर जाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इन चारों को सीधा बुन लेंगे। तो इस रो में हमने सिर्फ एक बार ही ट्विस्टिंग की ये वाली। अब आगे फिर हम 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये देखिए 3 उल्टे, 2 सीधे, ये जो सीधे दिख रहे हैं 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे। तो इस रो में सिर्फ हमने ये बीच के जो 2 केबल से इन्हीं को ट्विस्ट किया, बाकी जो है नॉर्मल बुना जैसे थे फंदे। अब 2 फंदे ये उल्टे आएंगे, उसके बाद इस तरफ की केबल्स के फंदे जो है वो चलेंगे, एक उल्टा, 4 सीधे, एक उल्टा। तो ये अब हम ये वाली केबल्स जो है साइड वाली ये भी कंप्लीट कर लेंगे, और अगली सिलाई जो है वो भी जैसे है फंदे वैसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 4 सीधे आ गए, फिर इसी का एक उल्टा आएगा, ऐसे ही अगली जो है केबल का एक उल्टा, 4 सीधे, एक उल्टा, 4 सीधे। तो ये रो बुनने के बाद नेक्स्ट रो हम उल्टे जो है जैसे फंदे होंगे वैसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने 10 सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 11वीं सिलाई, 11th रो, पहले फंदे को स्लिप किया। अब फ्रेंड्स होप ये साइड वाली केबल्स तो आपको समझ में आ चुकी होंगी, ये देखिए। अब फिर हमने जैसे रो 3rd में किया था, यानी अब पहले हम बाहर की तरफ को इन्हें ट्विस्ट करेंगे। तो अब मैं सिर्फ एक ही केबल आपको ये साइड वाली बताऊंगी, हमने बाकी की जो 3 है वो भी ऐसे ही करनी है। ये देखिए ऐसे ट्विस्टिंग करेंगे, पहले बाहर की तरफ को इन चारों को सीधा बुन लेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे। अब इन चारों में से 2 को जो है इस तरफ को बाहर की तरफ को यानी कि लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे ऐसे, दो सीधे ये वाले और 2 सीधे ये वाले। तो ये हमने 4 फंदे फिर से ऐसे बुन लिए। अब एक फंदा ये उल्टा आएगा,
ऐसे ही हम ये वाली केबल बुन लेंगे। तो ये वाली केबल और इसका एक जो उल्टा फंदा है, यहाँ तक पहले ही से बुन लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ तक इस फिर से हमने ट्विस्टिंग कर ली। अब ये गैप के दो फंदे भी उल्टे आ जाएंगे। अब देखिए ये जो दो सीधे फंदे हैं इनको इस तरफ भी हमने इस रो में भी दो सीधे ही बुनना है और अगले तीन उल्टे जो है इन्हें भी तीन उल्टे ही बुनना है। तो यानी कि इन पांच फंदों में हमने कोई ट्विस्टिंग नहीं की, धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये देखिए ये जो दो सीधे फंदे दिख रहे हैं इन्हें हमने एक फंदे के लेफ्ट की तरफ को ट्विस्ट करना है ऐसे। ये पहले ये इस तरफ को चल रही थी, अभी इस तरफ को मुड़ गई है केबल। अब पहले हम ये जो उल्टा फंदा है इसे तो उल्टा बुन लेंगे और ये जो दो सीधे फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब ये जो अगले चार फंदे हैं, दो उल्टे और दो सीधे, ये देखिए इन्हें उतारेंगे। जो दो उल्टे हैं इन्हें पीछे की तरफ से आगे लेकर आएंगे ऐसे, और जो ये सीधे फंदे हैं इन्हें आगे की तरफ से लाएंगे यूं। पहले इन्हें सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर ये जो दो उल्टे हैं इन्हें उल्टे बुनेंगे। तो ये सीधे फंदे हमने जो थे राइट को ट्विस्ट किए। अब ये अगले सीधे फंदे जो है इनको दो फंदों के लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे। अब उल्टे फंदे जो है वो आगे आ चुके हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। वन टू, फिर ये दो सीधे जो है इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब अगले तीन फंदे, एक उल्टा है और दो सीधे हैं, ये देखिए इन दो सीधे को हमने ऐसे राइट को लेकर आना है। उल्टे फंदे को पीछे से लाएंगे और जो ये सीधे फंदे हैं इन्हें ऐसे आगे लाएंगे। अब इन दो को तो सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे को जो है पीछे से लेकर आए थे इसे उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए अगले ये जो तीन हैं इन्हें नॉर्मल उल्टा बुनेंगे और जो दो हैं इन्हें नॉर्मल सीधा बुनेंगे। ये जो दो सीधे हैं ऐसे। अब ये जो है हमारी सेल्टी केबल की ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई, 11th रो 11वीं सिलाई। अब कैप के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और इस तरफ की केबल भी हमने जैसे इस तरफ की बनाई थी वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को राइट की तरफ को लेकर आएंगे ऐसे। इन्हें सीधा बुन लेंगे, एक उल्टा, अगले दो फंदों को जो है वो लेफ्ट को लेकर जाएंगे। तो ये हम जो है इसे रिपीट कर रहे हैं इस वाली केबल को, क्योंकि 8 ही सिलाई की थी ये केबल। तो ये थर्ड वाली रो जो थी उसी को हम बुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अब हम जो है अगली वाली केबल भी कंप्लीट करेंगे और उससे नेक्स्ट रो जो है उल्टी तरफ से उसे भी पूरा कर लेंगे। तो हमारी 12 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 13वीं सिलाई 13th रो, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री। अब ये केबल वाले फंदे जो है, क्योंकि एक रो में हम इसकी ट्विस्टिंग करते हैं और एक रो में हम इन्हें नॉर्मल बुनते हैं, तो इस रो में हम इन्हें नॉर्मल बुनेंगे, चार सीधे एक उल्टा, चार सीधे एक उल्टा। और ऐसे ही अब हम अगली वाली जो है केबल उसके भी फंदे बुन लेंगे। तो ये अगली केबल के फंदे इस उल्टे फंदे तक बुन लेंगे जो केबल वाला एक उल्टा फंदा है। देखिए फ्रेंड्स हमने ये उल्टे फंदे तक बुन लिया। अब फिर यहाँ पे गैप वाले दो फंदे भी उल्टे आ जाएंगे ऐसे। अब हम धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ये दो सीधे फंदे और ये एक उल्टा फंदा, इन्हें लेंगे,
सीधे फंदों को आगे से लेकर आएंगे लेफ्ट की तरफ को और उल्टे फंदे को पीछे से ऐसे आगे लाएंगे। अब पहले इस उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर इन सीधे दो फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब तीन फंदे उल्टे, अब अगले जो चार फंदे हैं, देखिए इन चारों में हमने जो ये वाले दो फंदे हैं इन्हें आगे से लेफ्ट को लेकर आएंगे और इन दो फंदों को पीछे से आगे लेकर आएंगे, और क्योंकि ये चारों फंदे सीधे थे तो इन चारों को सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4। अब ये बीच के चार उल्टे फंदे दिख रहे हैं, इन चारों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4। अब अगले जो चार फंदे हैं, ये देखिए, इनमें भी हमने सेम जैसे ये ट्विस्टिंग की वैसे ही करनी है, यानी कि इन दो फंदों को हमने इन अगले दो फंदों के आगे से लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेना है ऐसे। 1, 2 और इन फंदों को पीछे से ऐसे आगे लाएंगे, और क्योंकि अब ये चारों फंदे जो है वो सीधे हैं, ये देखिए, तो इन्हें हम चारों को सीधा ही बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब तीन फंदे उल्टे आएंगे अगले, ये देखिए ये तीन फंदे उल्टे दिख रहे हैं, ये तीन उल्टे आ जाएंगे, एक फंदा जो है उल्टा वो आगे वाली केबल में चला जाएगा। ये देखिए तीन उल्टे आ गए। अब अगले जो ये देखिए एक उल्टा और दो सीधे हैं, धागा पीछे ले जाएंगे, इन दो सीधे फंदों को ऐसे आगे से राइट को लेकर आएंगे ऐसे। पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे, फिर इस उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे, और अब जो ये गैप के फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हमारे केबल वाले फंदे चलेंगे, एक उल्टा चार सीधे। तो अब ये जो है हमारे केबल के फंदे, इनको बुनने के बाद अगली सिलाई में जैसे हैं हमारे फंदे वैसे हम इन्हें बुन लेंगे। तो ये जो फिर से चार सीधे एक उल्टा आएगा, तो ये रो कंप्लीट करने का नेक्स्ट रो हम जैसे है फंदे वैसे बुनकर वो भी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 14 रोज 14 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 15th रो 15वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ये देखिए दो फंदे ये वाले उल्टे, एक फंदा केबल वाला उल्टा आएगा। अब इस बार हमने इन केबल्स को अंदर की तरफ को मोड़ना है, तो अब मैं सिर्फ आपको एक जो है सेगमेंट बताऊंगी, उसी को हमने रिपीट करना है। देखिए ऐसे, दो फंदे ये सीधे आ जाएंगे, दो ये वाले सीधे आ जाएंगे, बीच का फंदा उल्टा आएगा, और फिर इस तरफ के चार फंदों में भी ऐसे ही करेंगे। जो पीछे वाले दो फंदे हैं उन्हें आगे से ऐसे राइट को लेकर आएंगे, फिर इन चारों को सीधा बुन देंगे। तो ये हमने जो है जैसे एक बनाई केबल, एक फंदा ये उल्टा, ऐसे ही अगली केबल भी हम बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी बना लेंगे, और इस केबल के साथ वाला जो उल्टा फंदा है यहाँ तक हम इसे बना लेंगे। ये देखिए दूसरी केबल के भी हमने फंदे ट्विस्ट कर लिए, उल्टा फंदा भी बुन लिया। अब ये गैप के दो फंदे हैं ये भी उल्टे बुने जाएंगे। अब यहाँ से हमारे ये सेल्टिक केबल वाले फंदे स्टार्ट होते हैं, जिसमें हम पहला फंदा ये जो उल्टा दिख रहा है इसे तो उल्टा बुनेंगे, धागा हमारा आगे ही रहेगा। अब देखिए अगले जो तीन फंदे हैं, दो सीधे और एक उल्टा, इनमें से जो दो सीधे हैं उन्हें हम आगे से लेफ्ट की तरफ को लेकर आएंगे और इस उल्टे फंदे को ऐसे आगे लाकर इसे उल्टा बुनेंगे और इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब अगले जो ये चार फंदे हैं, दो उल्टे और दो सीधे, इनमें से जो उल्टे फंदे हैं देखिए उन्हें हम पीछे से लाएंगे और जो सीधे फंदे हैं उन्हें आगे से हमने राइट को लेकर आना है ऐसे।
पहले इनको हम सीधा बुन लेंगे और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। वन टू। अब जो अगले फंदे हैं दो सीधे और दो उल्टे ऐसे, तो इन सीधे फंदों को हमने लेफ्ट को लेकर आना है आगे से और उल्टे फंदों को पीछे से ऐसे आगे लाएंगे। अब ये उल्टे हैं तो इन दोनों को तो उल्टा बुनेंगे और अगले दो सीधे हैं उन्हें सीधा बुन लेंगे। वन टू। अब अगले चार फंदों में एक दो, दो उल्टे और दो सीधे हैं, जो दो उल्टे हैं उन्हें पीछे से ऐसे लाएंगे और जो सीधे हैं उन्हें आगे से राइट को लाएंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। वन टू। और जो ये उल्टे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। टू। अब अगले चार फंदों में ये देखिए एक दो, दो सीधे हैं और दो उल्टे हैं, सीधे फंदों को आगे से लेफ्ट को लेकर आएंगे और उल्टे फंदों को पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब इन उल्टे फंदों को तो उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे। अब अगले तीन फंदे हैं देखिए, एक उल्टा और दो सीधे, इनमें से जो उल्टा फंदा है इसे पीछे से लेकर आएंगे और जो सीधे फंदे हैं इन्हें आगे से राइट की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। अब इन दो को सीधा बुनेंगे और जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एक जो पॉइंट है बहुत ही बारीकी से इसका बताया है ताकि गलत ना हो। तो ये बुनने के बाद हमारा लास्ट फंदा जो है इस सेल्टिक का 24वां फंदा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद ये गैप के दो फंदे उल्टे आएंगे ऐसे, और उसके बाद हमारे केबल वाले फंदे चलेंगे एक उल्टा और फिर यहाँ पे हम ट्विस्टिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने ये की थी ट्विस्टिंग, वैसे ही इनकी भी हम कर लेंगे इस तरफ अंदर की तरफ को। ये देखिए ऐसे, थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बताऊंगी ताकि अगर बिगिनर है आप तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये चार फंदे हमारे फिर ऐसे सीधे आ जाएंगे, फिर एक उल्टा, फिर अगली बार हम ट्विस्टिंग जो है वो अंदर की तरफ को करेंगे। वन टू थ्री फोर ऐसे और ऐसे। तो एक गोला ये बना था, अब ये गोला, तो ऐसे ऐसे गोले बनते जाएंगे। अब हम ये पूरी जो है रो कंप्लीट करने का नेक्स्ट रो में जैसे है फंदे वैसे बुनकर 16वीं सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 16 सिलाइयां कंप्लीट हो गई और हमारी जो ये सेल्टिक थी ये भी एक मोटिफ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका हमारे दो मोटिफ कंप्लीट होते हैं क्योंकि 8 सिलाइयों का था एक, और इसका एक मोटिफ कंप्लीट होता है। यानी कि आपको जितनी लंबाई रखनी है ये 16 सिलाइयां बुनते जाइएगा तो उतना आप ये बढ़ा सकते हैं और तो अभी हम जो है 16 सिलाई बुन चुके हैं, 42 सिलाई हम और बुनेंगे, 42 और रोज हम बना लेंगे। तो हमारी टोटल बॉर्डर के बाद 58 रोज हो जाएंगी, 58 सिलाइयां हो जाएगी। और ये जो 16 सिलाई है आपको फिर से वीडियो को बैक करके रो 1 से स्टार्ट करके फिर आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो हम 42 सिलाइयां और भी बुनेंगे और साथ में देखिए इंचेस में अभी तक, ताकि आपको अगर स्टार्ट करना हो तो आपको ये ईजी हो, इसलिए मैं आपको इंचेस में अभी से बता दूंगी कि कितनी चौड़ाई बनेगी। 10 इंच ये चौड़ा बनेगा लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है ये, तो उस हिसाब से आप फंदे कास्टम कर लीजिएगा अपनी ओन और सिलाइयों के हिसाब से भी और एज के हिसाब से भी। तो अब इसके हम जो है टोटल बॉर्डर के बाद 58 रोज 58 सिलाइयां हम बनाएंगे। तो अब पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर के बाद 58 रोज 58 सिलाइयां बना ली है और 1 2 3 4 5 6 7 सात हमारे इस तरह से जो गोले हैं वो बने हैं। तो इंचेस में इसे देखते हैं पहले, तो देखिए हमने बॉर्डर के बाद जो है 7 इंच बुना है, 7 इंचेस, और बॉर्डर के साथ 8.5 इंच हो चुका है ये। तो इतनी हमारी ये लेंथ बनी है, लंबाई बनी है। और अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे, विड्थ देखेंगे,
तो देखिए वैसे तो ये 9.5 इंच है, 9.5 इंच, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है ये वाला जो पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है जितनी बार आप इसे वॉश करते जाएंगे, तो ये 14 इंच के करीब देखिए इतना खुल जाएगा। तो यानी कि अगर आप इसी को, इतने ही फंदों को थोड़ा और ज़्यादा बुनेंगे लंबाई में, तो जैसे जैसे ये खुलता जाएगा तो ये बड़े बच्चे को भी आता जाएगा। तो यही सेम साइज़ आप जो है 1 से लेके 2 साल और 3 से लेके 4 साल तक आराम से पहना सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में तो ये ऐसे ही रहेगा टाइट, इसकी लंबाई ही ज़्यादा होगी, तो आप उसे ऐसे फोल्ड करके पहना सकते हैं, बाद में ये फोल्ड खोल के, और क्योंकि फिर ये लंबाई इसकी कम भी हो जाएगी थोड़ी सी जब ये खुलेगा, तो ये बच्चे को 4-5 साल तक आराम से आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम बैग बना लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने बनानी है, ताकि हम आर्म होल की कटिंग जो है आसानी से कर सके। तो देखिए बैग के लिए हमने यहाँ पे 70 फंदे लिए हैं, देखिए 70 स्टिचेस लिए हैं, और बॉर्डर हमने बना लिया है। इसके बाद हम जो है पहली रो में 2 फंदे बुनेंगे, स्लिप करने के बाद तीसरे फंदे को 2 बार बुन के पहले 1 फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। अब 7 फंदे बुनते जाएंगे और 8वां फंदा बढ़ाते जाएंगे, knit 7 make 2 knit 7 make 2। तो 7 फंदे बुनते जाएंगे और 8वें फंदे को 2-2 बार बुनकर हमने, क्योंकि टोटल 9 फंदे बढ़ाने हैं, 9 स्टिचेस बढ़ाने हैं, ताकि हमारे जो है 79 फंदे हो जाए, 89 फंदे हो जाए। तो अब हम ये 9 फंदे इस रो में बढ़ा लेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए ये 2 सिलाई हम बुन चुके हैं और अभी हमारे पास 79 यानी 79 फंदे हैं। अब इस रो में हमने क्या करना है, जो मैं आपको पहले भी एक जो वीडियो में बता चुकी हूँ, पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद हमने 12 फंदे जो है वो बार बार रिपीट करने हैं, जिसमें 1 फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि हमने जो है बैक में 4 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा। तो ये जो 11 फंदे होंगे इन्हीं को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, रिपीट दिस 11 स्टिचेस। फिर से हम 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यानी एक बार 4 फंदों के बाद 2 उल्टे आएंगे, एक बार 4 फंदों के बाद 1 उल्टा आता जाएगा। अब तो ऐसे हमने करना है। उसके बाद हम देखिए, जैसे हमने ये फ्रंट में जो केबल्स बनाई थी, तो यहाँ पे हमने ये 1 2 2 केबल्स इस तरफ और 2 इस तरफ, और बीच में हमने ये पैटर्न रखा है, जबकि बैक में जो है हमने सिर्फ ये केबल्स ही बनाते जाना है। ये हमारी 7 केबल्स आएंगी, 7 केबल्स आएंगी। तो अब जितनी हमने ये सिलाइयाँ बुनी है, 58 रोज 58 सिलाइयाँ, वैसे ही हम बैक की भी 58 रोज बना लेंगे, 58 सिलाइयाँ पहले बना लेंगे, फिर आपको और इजीली समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड, जितना हमने फ्रंट बुना था उतनी ही हमने बैक की रोज बुन ली, लेकिन बैक में हमने सिर्फ केबल्स बनाई हैं, फ्रंट वाला ये जो हमने बीच में बनाई है सेल्टिक केबल ये नहीं बनाई है इसमें हमने। आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन बैक में ये इतनी अच्छी नहीं लगती है देखिए, और ये काफ़ी उभरी उभरी सी बनेगी जब हम बैक ऐसे बनाएंगे। तो अब हम इस रो में देखिए क्या करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे, जो कि हमने फ्रंट और बैक में एक सी ही करनी है। तो पहले हम 3 फंदे जो है वाइंड ऑफ कर लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हम ऐसे बंद कर देंगे, बाकी जो हमारा पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए बुनेंगे। जैसे ये 2 फंदे अब सीधे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी केबल नहीं बनेगी अब इस तरफ, 1 फंदा उल्टा, अब इस तरफ जो है हमारी केबल बननी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 4 फंदे हैं। तो ये देखिए इसे हमने ऐसे ट्विस्ट कर लिया, तो बाकी हम केबल्स वाला पैटर्न फॉलो करते हुए ये रॉ कम्प्लीट करेंगे ऐसे, बीच में 1 फंदा ये उल्टा आएगा, सॉरी 2 फंदे उल्टे आएंगे ये, क्योंकि एक इस तरफ का एक उस तरफ का उल्टा। अब ऐसे हम ये पूरी रो जो है केबल को फॉलो करते हुए बना लेंगे। ये देखिए इस तरफ से 3 फंदे डिक्रीज करने के बाद पूरी रो हम बुन चुके हैं, अब इस तरफ से हम ये 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो 3 2 1 करके हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे, 1 2 3। अब बाकी की रो हम पूरी बुन लेंगे। तो ये 3 जो है फंदे हमने इस तरफ से भी वाइंड ऑफ किए। अब पूरी रो कंप्लीट करने के बाद फिर इस तरफ से 2 2 1 1, तो 3 2 1 3 2 1 करके हम पहले इन फंदों को जो है वो
बंद कर देंगे। उसके बाद 36 सिलाइयां 36 रॉज जो है हम ये केबल्स की बना लेंगे। तो पहले हम ये 36 सिलाइयां बना लेते हैं, उसके बाद जो फ्रंट पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने आर्म होल की कटिंग करने के बाद तीन दो एक के बाद 36 रॉज 36 सिलाइयां जो है वो प्लेन बुन ली थी ये केबल्स वाली। तो अगर हम इंचेस में देखेंगे 5 इंच तक हमने जो है 3-2-1 की कटिंग के बाद सीधा सीधा बुन लिया था, बिना घटाए यानी कि बुन लिया था। अब ये हमारी जो बैक है ये देखिए ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो है इसी तरह से साइड पे हम बैक को रख देंगे और फ्रंट में भी हमने 58 ये सिलाइयां हम बना चुके थे, तो इसमें भी हम ऐसे ही 3 फंदे पहले बाइंड ऑफ करेंगे इस तरफ से, 1 2 3 3 फंदे बाइंड ऑफ किए। बाकी जो हमारा पैटर्न है देखिए अब यहाँ पे ये ट्विस्टिंग होनी है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। हमने ये जो केबल्स वाला पैटर्न है ये भी हमारा ऐसे ही चलेगा, पहले इन दो को सीधा बुन लेंगे, फिर बीच में एक फंदा उल्टाएगा, फिर उस तरफ को ट्विस्टिंग करेंगे। तो ये जो ट्विस्टिंग वाला पैटर्न है ये भी ऐसे ही चलेगा, जो बीच का हमारा ये सेल्टिक केबल वाला पैटर्न है ये भी ऐसे ही चलेगा जो इसकी आगे की रो होगी। फिर इस तरफ से भी हम 3 फंदे जो है जब हम टर्न करेंगे तो 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, तो 3 3 2 2 1 1 करके हम जो है इसके आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ हमने वहीं तक करना है, इसे आगे नहीं बुनना है। 3 2 1 3 2 1 करके पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बीच में ये केबल भी ऐसे ही रखेंगे। ये हमने अब जो है फ्रंट के भी 3 2 1 3 2 1 करके फंदे कम कर लिए। अब ये हमारी जो बीच वाली केबल है इसकी सिर्फ 2 सिलाई रहती है, ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 1 2 3 जो ये 4th वाला हमारा सेगमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम बिना घटाए 2 सिलाई बुन लेंगे, इसमें हम देखिए यहाँ पे कम नहीं करेंगे क्योंकि 3 2 1 हम कर चुके हैं। तो साइड में से ये सीधा बुनेंगे और बीच में से जैसे हमारी केबल्स ये चल रही है वैसे, और इस केबल की जो लास्ट की 2 लाइंस थी यानी कि 15th और 16th रो 15वीं 16वीं सिलाई वो बुनी जाएगी। तो ये 2 सिलाई पहले हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम 2 रोज बुन चुके हैं। अब ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे जो है गले की कटिंग होगी, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आप इसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको फंदे जो है वो कास्ट ऑन करने होंगे। देखिए यहाँ पे तो जैसे हमारा पैटर्न है वैसे ही हम इसे चलाएंगे, जो केबल्स यहाँ पे बननी है वो तो ऐसे ही चलाएंगे। तो पहले हम इसे यहाँ तक बुन लेते हैं, ये जो हमारे केबल्स के बाद 3 फंदे हमने सिर्फ एक्स्ट्रा लिए थे, यहाँ तक हम इसे ऐसे बुन लेंगे पहले। ये देखिए हमने केबल के फंदों के बाद 3 फंदे जो है उन्हें बुन लिया। अब ये जो हमारे 24 स्टिचेस से 24 फंदे थे बीच वाले ये सेल्टिक केबल के, इसके 2 फंदे हम पहले सीधे बुन लेंगे ऐसे। अब अगले जो ये हमारे 20 फंदे हैं बीच वाले, ये देखिए 20 स्टिचेस, इनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है नेक के लिए। 2 का एक किया, इस फंदे को वापस लिया, फिर 2 का एक किया, ऐसे भी कर सकते हैं या एक फंदा सीधा बुन के ऊपर से पास करके भी। तो ये 20 फंदे हम ऐसे बाइंड ऑफ कर लेंगे, बाइंड ऑफ 20 स्टिचेस जो ये बीच के 20 फंदे हैं। तो पहले हम इन्हें बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 20 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं, और अब हम जो है हमारी ये केबल्स वाली बुनाई को कंटिन्यू करते हुए, जैसे हमने ये पीठ की 5 इंच तक बुना था, 5 इंचेस तक बुना था, तो हमने इसे भी ऐसे ही 5 इंचेस तक बुन लेना है अब। तो ये 2 ही केबल्स हमारी चलती जाएंगी और ये देखिए ये उल्टे फंदे जैसे ऐसे बुने जाएंगे। फिर यहाँ पे ये ट्विस्टिंग होगी, तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब तो हमने इस केबल्स को फॉलो करते हुए सीधा सीधा 5 इंच तक बुन लेना है। फिर यही हम इस तरफ भी करेंगे, जो ये फंदे हैं इन पे भी हम ऐसे ही 5 इंच बुन लेंगे। तो ये हम बना लेते हैं दोनों साइड, तब आपको और क्लियरली ये समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स ये साइड हमने ऐसे सीधी बुन ली 36 रोज, तो अब इस साइड पे भी हम ऐसे इन फंदों को 36 सिलाइयों में बुन लेंगे। तो अब ये भी बना लेते हैं दूसरी साइड भी। तो देखिए हमारा फ्रंट की ये बैक साइड है और इस तरह से हमारी ये शेप आई है, देखिए इस तरह से फ्रंट साइड से दिखाई देगा। तो फ्रंट हमारा अभी तक जो है इतना बन चुका है, बैक भी हम इतनी कंप्लीट कर चुके हैं।
ये देखिए, अब हम पहले स्लीव बनाएंगे, बाजू बनाएंगे। तो देखिए बाजू के लिए हम 40 फंदों पे 10 सिलाइयां बुन चुके हैं बॉर्डर की। देखिए 10 रोज बॉर्डर की बुन चुके हैं। अब हम इस रो में 7 फंदे बढ़ा लेंगे, इंक्रीज 7। तो जैसे हम पहले चौथा फंदा जो है उसे दो बार बुनेंगे, स्लिप करने के बाद 3 फंदे बुने, चौथे फंदे को दो बार बुना, उसके बाद पांचवा फंदा दो बार बुनते हुए हम 7 फंदे बढ़ा लेंगे। जैसे भी आपके फंदे बढ़ते हैं 7 स्टिचेस आपको इंक्रीज करने हैं। 7 फंदे ये बढ़ा लेते हैं पहले, और नेक्स्ट रो हम उल्टी बुन लेंगे। नेक्स्ट जो अगली सिलाई है उसको उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमने यहाँ पे केबल्स जो बनानी है थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने 6 फंदे पहले उल्टे बुन लेने हैं, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने केबल्स के लिए पहले 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे। तो ऐसे हमारी एक केबल बनेगी। उसके बाद हमने जो बॉडी में तो 2 फंदों का गैप दिया था, इसमें हम बीच में 3 फंदों का गैप देंगे। तो बीच में 3 उल्टे फंदे आएंगे, उसके बाद फिर से केबल के लिए 9 फंदे बुने जाएंगे, यानी कि 4 सीधे 1 उल्टा, 4 सीधे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी स्लीव जो है वो स्टार्ट की है, इससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि हमारी केबल्स कैसे प्लेस होनी है ताकि आपको आसानी से ही बनाना आ जाए। देखिए 6 स्लिप करने का 6 फंदे उल्टे हैं, फिर जो हमने केबल बनाई थी वो केबल है, बीच में 3 फंदे उल्टे, फिर केबल, 3 फंदे उल्टे, फिर केबल, और इस तरफ फिर से हमारे 7 फंदे आ जाएंगे, 6 उल्टे और लास्ट फंदा सीधा। तो ये हमने यहाँ पे 3 ही केबल्स रखी हैं, और हर पांचवी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाया है, इंक्रीज 1 स्टिच इन ईच 5th रो। तो पांचवी सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा बढ़ाया है, और इसे रिवर्स टॉकीनेट पे बुना है, यानी इस तरफ से इन फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं और इस तरफ से उल्टा बुन रहे हैं ताकि ये जो हमारी केबल्स है ये उभर कर आ सके। तो ऐसे ही अब हम ये दूसरी स्लीव जो है इसे भी बना लेंगे जैसे हमने ये बनाया है। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स अगर मैं ये स्लीव भी आपको पूरा बताऊंगी तो वीडियो की बहुत ही ज्यादा लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये पैटर्न हम काफी बार अब रिपीट कर चुके हैं, ये वाला केबल्स वाला। तो देखिए अभी तक हमने जो है बॉर्डर के बाद एक सिलाई में बढ़ाए, फिर उल्टी बुनी, उसके बाद हमने 54 सिलाइयां जो है इस तरह से बना ली है, 54 रोज बना ली है, बीच में 3 केबल्स और एक एक फंदा हर पांचवी सिलाई में बढ़ाते हुए। तो क्योंकि केबल्स से पहले हमारे ये 7 फंदे आएंगे जो यहाँ पे थे, उसके बाद ये जो 14 फंदे हैं जो हमारे बढ़ गए हैं, इस तरह से 14 स्टिचेस हमारे इस तरफ इंक्रीज हुए, 14 इस तरफ। तो अभी हमारे पास 75 स्टिचेस हैं, 75 फंदे हैं, और आप चाहें तो ये जो केबल्स हैं यहाँ पे भी इसे सेट कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट हैं आप निटिंग में और आप जानते हैं किस तरह से इन केबल्स को यहाँ से स्टार्ट करना है फंदे बढ़ने के बाद। लेकिन वैसे तो देखिए अगर हम 3 केबल्स भी रखते हैं तब भी ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, अदरवाइज ये बहुत ही बल्की हो जाएगा, बहुत ही फ्लफी सा हो जाएगा। अब इंचेस में हम देखते हैं कितनी हुई है ये लेंथ पहले, ये देखिए 8.5 इंच, 8.5 इंच तक हमारी इस स्लीव की लेंथ हुई है। आप चाहें तो थोड़ी और बना सकते हैं लेकिन मुझे इसकी लेंथ इतनी ही रखनी है। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए जैसे हम जो है स्वेटर के आर्म होल में कटिंग करते हैं उसी तरह से पहले हम स्लीव की करते हैं, तो इसलिए हमने पहले 3 फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। उसके बाद जैसे है हमारा पैटर्न ऐसे हम इसे बुनेंगे, ऐसे बीच में से केबल्स ऐसे ही बुनेंगे, फिर 3 इस तरफ से, फिर उसके बाद 2 इस तरफ से भी, 2 फिर 1 और फिर 1। तो 3, 2, 1, 3, 2, 1 करके दोनों तरफ से अब हम ये जो है कटिंग कर लेंगे। बीच में ये केबल्स भी ऐसे ही चलानी है हमने। देखिए फ्रेंड्स हमने ये 3, 2, 1, 3, 2, 1 करके फंदे जो है वो डिक्रीज कर लिए थे। अब हम कंटिन्यूएशन में जैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे 2-2 करके। देखिए पहले इस तरफ हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 1, 2, बाकी जैसे है हमारी रो वैसे बुनेंगे, फिर उस तरफ से 2 करेंगे, फिर इस तरफ से। तो हमने ऐसे 7 बार करना है, 7 टाइम्स हमने 2-2 फंदे दोनों तरफ से डिक्रीज करते हुए घटाने हैं। तो 14 फंदे इस तरफ से डिक्रीज होंगे 2-2, 2-2 करके, और 14 फंदे इस तरफ से डिक्रीज होंगे 7 बार 2-2 करके। तो अब हम पहले ये घटा लेते हैं फिर आपको और इजीली समझ में आएगा।
और बीच में ये जो केबल्स है ये अभी भी ऐसे ही चलती जाएगी। ये देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से स्लीव के दो दो करके सात बार इस तरफ से और सात बार इस तरफ से फंदे डिक्रीज कर लिए हैं। और अब जो ये बाकी फंदे हमारे बचेंगे इन्हें हमने एक साथ जो है वो बाइंड ऑफ कर लेना है। तो ये पूरी रो अब हम बाइंड ऑफ करके ये स्लीव जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखिए इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इंचेस में हम इसे देखेंगे, ये हमारी 11.5 इंच तक 11.5 इंचेस तक जो है लेंथ इसकी बनी है। तो आप उस हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर लीजिएगा जिस हिसाब से आपको बनाना होगा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ऐसे ही देखिए हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। दोनों बाजू हमारे बन चुके हैं। अब जो हमारा फ्रंट और बैक है, देखिएगा ये बैक, इसे अब ऐसे रखेंगे और ये फ्रंट। और इसके पहले हम शोल्डर्स को 3 नीडल बाइंड ऑफ से जोड़ लेंगे। तो ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं 3 नीडल बाइंड ऑफ। देखिए एक फंदा इस नीडल से लेंगे, एक फंदा इससे लेंगे, दोनों का पहले एक बनाएंगे ऐसे, फिर अगले दो फंदों का ऐसे ही एक बनाएंगे और फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो हमने ये जितने भी हमारे कंधे के फंदे हैं इन सबको ऐसे ही 3 नीडल बाइंड ऑफ से जोड़ लेना है। तो ऐसा अब हम इन सारे फंदों में कर लेंगे जितने भी होंगे आपके फंदे ये। तो देखिए इन्हें हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब इस तरफ जो ये वाले फंदे हैं हमारे 23 फंदे हैं, 23 फंदे हैं इस शोल्डर पे कंधे पे। तो इन्हें हमने यहाँ पे 23 ही फंदे हम रखेंगे और बाकी जो बीच के फंदे हैं उन्हें सीधा बुन लेंगे। तो अगले 23 फंदों तक पहले हम इन बीच के फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हमारी पीठ के फंदे हैं जिन्हें हम बुन रहे हैं। तो ये पहले हम बुन लेते हैं 23 फंदों तक। ये देखिए हमने इसे बीच वाले फंदों को सीधा बुन लिया। अब इस तरफ जो शोल्डर के 23 फंदे हैं इनको इन 23 फंदों के साथ फिर से ऐसे ही जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स इसे मैं थोड़ा आपको जो है स्टेप्स में इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिगिनर हैं जिनको अब शोल्डर्स भी जैसे ज्वाइन करना नहीं आता हो, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जो है हर स्टेप्स जो है वो बताने पड़ते हैं। तो ये हम अब सारे के सारे फंदे जो है इन्हें बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमारे जो कंधे हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों तरफ के। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों शोल्डर्स इस तरह से जुड़ गए हैं। अब जो हम शॉल कॉलर बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हम इस तरह से इसे टर्न करेंगे, जो राइट साइड है हमारे वर्क की उसे आगे लेकर आएंगे ऐसे, और यहां से अब हमने फंदे उठाने शुरू करने हैं इस कॉर्नर से। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, इस गले के लिए हमें या तो जो गले वाली 4 सिलाई होती है वो चाहिए या फिर सर्कुलर नीडल चाहिए, या आप 3 सिलाई पे अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहां से फंदे उठाने शुरू करने हैं। और ये देखिए, और जो फंदे हम उठाएंगे उन्हें भी हमने टाइट टाइट उठाना है, मतलब कि हमने दूर दूर नहीं उठाना है, ज्यादा फंदे हमें उठाने होंगे। तो क्योंकि देखिए पहला फंदा अगर हम बिना बुने लेते हैं तो यहाँ पे हमारी 2 फंदों का 1 फंदा बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, एक फंदा उठाया, धागा आगे लाए, फिर अगली चेन में से एक फंदा उठाया ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे, अगली चेन में से एक फंदा उठाएंगे। तो ऐसे हमारे जो है 2-2 फंदे बनते जाएंगे और हमें ये 2-2 ही फंदे बनाने हैं ताकि हमारा कॉलर जो है वो टाइट ना बने, थोड़ा खुला खुला बने। देखिए तो एक फंदा उठाते जाएंगे, धागा आगे करते जाएंगे, ये जो चेन्स बनी है इनमें से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। तो अभी थोड़ा हम इसे फास्ट फास्ट उठा लेते हैं। देखिए फिर धागा आगे लाए, इस चेन में से एक फंदा उठाया, फिर धागा आगे लाए, इस चेन में से एक फंदा उठाया। तो पहले हम जो है यहाँ तक उठा लेते हैं, ये जो हमारे शोल्डर के फंदे हैं यहाँ तक। देखिए हमने इन फंदों को यहाँ तक उठा लिया है। तो हमने ये 40 के करीब फंदे उठा लिए हैं, 40 स्टिचेस उठा लिए हैं। अब क्योंकि इस तरफ से तो इन्हें हम बुन नहीं सकते हैं सिलाई के, तो हम इन बैक वाले फंदों को पहले दूसरी नीडल पर उतार लेंगे। तो देखिए पहले इन्हें हम इस सिलाई पे उतार लेते हैं। तो इन फंदों को हमने इस नीडल पर उतार लिया है। अब ये जो बैक वाले फंदे हैं इनमें भी हमने यही करना है।
पहले धागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा। तो अब थोड़ा इसी को हम फास्ट फास्ट कर लेते हैं, फिर धागा आगे एक, फिर यहाँ पे हम धागा आगे करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गैप बन जाएगा लास्ट फंदे के साथ, तो धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद हमने जो है इस तरफ के फंदे भी ऐसे ही उठाने हैं जैसे हमने उस तरफ के उठाए थे सामने वाले फंदे। ये देखिए एक फंदा उठाया, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर एक फंदा, और जितने हमने इस तरफ उठाए होंगे अगर 38 है तो 38, अगर 36 है तो 36, इस तरफ भी उतने ही फंदे हम बनाएंगे। तो इन फंदों को यहां तक हम उठा लेंगे, यानी हमने यू शेप में इन फंदों को उठाना है ऐसे, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा सीधा। तो गिन लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको जितने उस तरफ है उतने ही फंदे इस तरफ भी उठाने होंगे, धागा आगे एक फंदा सीधा। तो ये अब पहले उठा लेते हैं। तो देखिए हमने 40 फंदे इस तरफ भी उठा लिए हैं, इस तरफ भी हमने 40 फंदे उठाए थे, तो 80 स्टिचेस हो गए, 80 फंदे ये हो गए प्लस बैक के फंदे। तो अब देखिए हम इस तरफ से इन्हें बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए क्योंकि जो हमने यहाँ पे बॉर्डर बुनना होता है वो दोनों तरफ से एक जैसा होना चाहिए, जबकि जो हमने ये वाला बुना था तो एक जैसा नहीं था, इसलिए देखिए यहाँ पे हम क्या बुनेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बुन सकते हैं, या दो सीधा दो उल्टा का, 2x2 रिब या 1x1 रिब, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने इससे थोड़ा सा मैचिंग भी करना है जो हमने बॉर्डर बनाया था, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे। पहला फंदा तो उल्टा बुनेंगे, फर्स्ट रो है और इस तरफ से रॉन्ग साइड है, इस तरफ से राइट साइड है, इसलिए उल्टा बुना। अब जो सीधा फंदा है देखिए उसे हम इस तरह से बैक लूप से और धागे को इस तरह से घुमाकर बुनेंगे और उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, और पूरी रो में हमने यही करना है। एक फंदा बैक लूप से और धागा इस तरह से घुमाना है और एक फंदा नॉर्मल ऐसे उल्टा, फिर ऐसे घुमाएंगे और फिर एक फंदा उल्टा। तो ये हम जो है पूरी रो में यहां से लेके इस पूरे राउंड में यहां तक इसे ऐसे ही बुनते आएंगे। देखिए एक फंदा ये हमने बैक लूप से बुना, फिर एक फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स पहले हम ये पूरी यहां तक जो है रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने इस राउंड को यहां तक बुन लिया है, अब यहां से हम फिर से इसे स्टार्ट करेंगे। और पहला फंदा तो हम नॉर्मल जो है वो सीधा भी बुन सकते हैं, बिना बुने भी ले सकते हैं। अब एक फंदा उल्टा आएगा ऐसे, और जो सीधा फंदा है उसे फिर से हम बैक लूप से बुनेंगे और इस तरह से धागा घुमा के बुनेंगे। इस तरफ से भी हमने उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है और सीधे फंदे को ऐसे बैक से बुनना है, और उस तरफ से भी हमने यही करना है। तो ऐसे हम एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए इस बॉर्डर को, अब जितनी ये देखिए ये विड्थ है यहां से, जितनी ये चौड़ाई है यहां से यहां तक, इतना ही इसकी हम लंबाई रखेंगे, यानी इतना हम इसे बुन लेंगे, जितना भी होगा ये इंचेस में देखते हैं। देखिए यहां से 3 इंच से थोड़ा सा कम होगा, ये सेंटीमीटर्स में अगर देखेंगे तो यहां से लेके ये हमारा 7 सेंटीमीटर्स तक जो है इसकी लंबाई बनेगी। तो अब इस बॉर्डर को हम पहले बना लेते हैं, फिर आपको और जो है वो समझ में आएगा। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बनेगा ऐसे, जो ये वाली लाइन है यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम बॉर्डर। देखिए फ्रेंड्स हमारे कॉलर की ये लंबाई पूरी हो चुकी है, इसे हम ऐसे देखेंगे तो ये पूरा यहाँ तक आ चुका है और हमारा ये 26 रोज में पूरा हुआ है। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन हमने इसे बहुत ही ढीला ढीला बाइंड ऑफ करना है, टाइट नहीं करना है। आप चाहे तो बड़े नंबर की सिलाई ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बड़ी नीडल्स यूज कर रही हूँ। तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, अब जो उल्टा फंदा है ये पहला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे, और जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे ऐसे। तो क्योंकि बड़ी हमने नीडल्स ली है तो इसे ज्यादा ढीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नॉर्मल जैसे बाइंड ऑफ करते हैं वैसे कर लेंगे। तो ऐसे सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए हम सारे फंदे ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं। पहले देखिए हमने इन्हें ढीला ढीला सा ऐसे बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग के लिए धागा छोड़ देंगे और फिर यहाँ से काट लेंगे इसे। ये देखिए
ऐसे हमने इसे नीडल में से निकाल लिया। अब पहले हम ये वाली साइड जो है इसे सिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको देखिए ओवरलैप करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम इस तरह से ओवरलैप करते हैं, एक हम इस तरह से करते हैं। तो आपको जिस साइड को ये रखना है उस साइड को आप कर सकते हैं। मैं जो है पहले जो ये राइट साइड है इसे स्टिच करूंगी ऐसे। तो यहां से हमने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, यहां से हम इसे ऐसे सिलना शुरू करेंगे ऐसे। एक एक फंदा हमने, ये देखिए थोड़ा जूम कर देती हूँ, ऐसे हमने एक एक फंदे को एक एक फंदे के साथ ऐसे सिलना है ताकि निकले ना ये ऐसे। तो इसे हम पहले यहां तक सिल लेते हैं। ये देखिए यहां तक इसे हमने ऐसे सिला। अब ये जो साइड है इसे हम इस तरह से ओवरलैप करके, और इसे और सफाई से सिलना पड़ेगा क्योंकि ये सामने है, तो इसे हम ऐसे सिल लेंगे इस तरफ को। यहां से जो है नीचे से ऐसे उठाएंगे और इस तरह से सिलते जाएंगे। तो इसे भी यहां तक सिल लेते हैं पहले। देखिए यहां तक इसे सिल लिया। अब इसे हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे दो तीन स्टिचेस लगाकर पहले, और फिर धागा काट लेंगे। तो देखिए इसे हमने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है, कॉलर हमारा रेडी हो गया है। हम इसे बड़े आराम से इस तरह से बाहर की तरफ को मोड़ देंगे, और ये देखिए ये कॉलर रेडी है। यहाँ पे आप चाहें तो दो बटन्स लगा सकते हैं शो के लिए, या बो लगा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। अब हम इसे पूरा जो है स्टिच कर लेंगे, स्लीव को भी बाजू को भी। ये देखिए बाजू को स्टिच करके यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे और साइड से भी सिल लेंगे। तो इसे अब हम फिनिश कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है, और इसकी मेजरमेंट्स मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ। दो तीन साल से लेकर चार पांच साल के बच्चे को बड़े आराम से आप इसे पहना सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। टेक केयर।